संगम है, तो आप बताइए कि एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि डांस दीवाने हैं, ऐसा लग रहा है घर पर ही आ गया हूँ। दो सीज़न में होस्ट कर चुका था एंड अभी खतरों के खिलाड़ी के लिए मैं वापस डांस दीवाने पे आया हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि माधुरी मैम से मेरी फिर से मुलाकात होने वाली है। तो आई मेट हर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू मीट द एंटायर टीम, और सब दोस्त ही हैं, तुषार, यू नो, धर्मेश, भारती, हर्ष एंड माधुरी मैम, और रोहित सर भी आए आज। तो जो महासंगम है तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि डर भी है, डांस भी है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो आज तक पहले ना कलर्स पे हुआ है, ना खतरों पे हुआ है, ना डांस दीवाने पर हुआ है। सो आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग और लोगों को बहुत मज़ा आएगा कि कैसे डांस दीवाने के कंटेस्टेंट्स और खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स एक साथ आकर इस महासंगम को, यू नो, स्टंट्स भी होंगे और डांस भी होगा, तो कैसे वो करेंगे, उसका जो मिश्रण है वो कैसा होगा, वो उन्हें देखने मिलेगा। बहुत सारी मस्ती हो रही है, आप लोग जानते ही है, सब लोग हैं, हर्ष है, भारती है, आई थिंक दे आर सुपर्ब, और मैं भी बहुत मस्ती कर रहा हूँ उनके साथ मिलकर। सो आई एम रियली हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन द महासंगम। कैसा रहा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो शूट हुआ एंड अगर आप कुछ बता। मैं वही तो बता रहा हूँ कि बहुत सारी मस्ती के, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आएंगे एंड सबकी टांग खिंचाई हो रही है, बहुत मुश्किल मुश्किल हमें चीज़ें करवाए जा रहा है क्योंकि ये डांस दीवाने का सेट है, बट मज़ा आ रहा है। आपकी तरफ से क्या हमें कुछ ऐसे स्टंट या कोई डांस देखने को मिलेगा? यस ऑफ कोर्स मिलेगा, मैंने एक एक्ट किया जिसमें मुझे शॉक मिल रहा है, सो आप लोग वो ज़रूर देखना। बहुत मुश्किल था मेरे लिए बिकॉज उसी दिन मैंने रिहर्स किया था और उसी दिन परफॉर्म किया था और मैं ट्रैवल करके आया था, बट आई गेव इट माई बेस्ट। दूसरे दो दिन तक मेरी बड़ी कमर टूटी लेकिन मज़ा आया मुझे वो स्टंट करके। बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है क्योंकि एक तो इतने अच्छे डांसर्स हैं, मैं इन लोग के पहले भी परफॉर्मेंसेस देख रही थी और आज जब सामने साक्षात देख रही हूँ परफॉर्मेंसेस, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक तो म्यूजिक है, लय ताल, हम लोग स्टंट करने वाले खतरों के खिलाड़ी वाले, और जब आज हम ये लय ताल के साथ में कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं छोटी मोटी, बहुत ही मज़ा आ रहा है एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस है उन लोग को भी बहुत अच्छा लगने वाला है ये महासंगम। और आज यहाँ पर क्या कुछ मतलब देखने को मिला डांस के साथ में, एक्शन आपकी तरफ से क्या कुछ हमें चैलेंजेस दिए जा रहे हैं काफ़ी सारे कि भाई खतरों के खिलाड़ी से आए हो तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। सो यस, वी आर बीइंग चैलेंज्ड बाय द जजेस एंड बाय ऑल दोस किड्स, छोटे छोटे बच्चे भी हमको चैलेंज कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। एंड मगर रानी फाइनल में पहुँच गई है, टक्कर का मुकाबला होने वाला है, तो मतलब कितना एक्साइटेड है फिनाले के लिए? काफ़ी मेहनत की थी, जो टिकट टू फिनाले का एक पूरा चंक था वहाँ पे सारे लड़कों के साथ मेरी अकेले की लड़ाई चल रही थी, और कहीं ये नहीं लगा कि मैं लड़कों से लड़ रही हूँ, उनके साथ मेरी फाइट चल रही है। बहुत ही स्मूथ रहा कॉम्पिटिशन, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट यू नो इट फेल्ट गुड जब मैंने वो पार कर लिया, और आखिर में जब वो टिकट टू फिनाले मेरे हाथ में आया, मैं थोड़ी सी फेमिनिस्ट सी हूँ और बड़ी तसल्ली मिली कि यस यस मैंने किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे परिवार ने, मेरे फ्रेंड्स ने, फॉलोअर्स ने, उन लोगों ने बहुत सारा प्यार भेजा। अब फिनाले में हूँ एंड देखते हैं क्या होता है फिनाले में। थैंक यू मेरे स्टाइलिस्ट विक्टर, सोहेल, मेरे मेकअप आर्टिस्ट मन्ना, अविनाश, शाहरुख, इन लोगों ने मिल के मुझे तैयार किया है, काफ़ी मेहनत की है एंड थैंक यू गाइस। चलो दादा, चलो।